तिलकवाड़ी रानड़े कॉलोनी है, वो छबरू लोग यहाँ पर रहा करते हैं। एक क्या है, स्कूल है क्या है ये? प्री स्कूल है। अच्छा, अभी बंद है। सर आपका नाम? तेजस्वी नायक। तेजस्वी नायक, आपको सांप दिखाई दे, किनको दिखाई दिया? नहीं, मैंने इनको। अच्छा अच्छा, तो बाहर से आया, इधर इधर ही दिखाई दिया। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं, जो मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ शहर में किस तरह से सांप बसते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। स्कूल है, अभी छुट्टी है, वो अलग बात है, लेकिन आते जाते रहते हो, वो सच्चाई को स्वीकार करके चलना पड़ता है। लेकिन आपके पाँव के नीचे इस तरह से बहुत बड़े बड़े सांप बैठे होते हैं, हो सकते हैं, हम सोचते नहीं कभी, लेकिन आपको वही मैं दिखा रहा हूँ। और कोई खतरनाक या जहरीला सांप नहीं, इसी कॉलोनी में हमने बहुत ही खतरनाक घोनस पकड़ा था। तो यहाँ पर धीमी गति से जा रहा है, थोड़ा सा देखेंगे तो एक ही दिखी जा रहा है, धीरे 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 वो जा रहा है, पता नहीं कितना आ रहा है कैमरा के अंदर, लेकिन धामन जाति का सांप है। एक मिनट, तकरीबन 5 साल का ये सांप है, और जैसे कि आपने देखा कि काफी देर से वहां पर बैठा था। धामन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन देख सकते किस तरह से ये कॉलोनी में है। यहाँ पर हमने धनुष भी पकड़ा था, आगे स्टेप पर चढ़ के बैठा था सुबह सुबह। तो इस तरह से सांप कहीं पर भी कहाँ से भी आ सकते हैं। अच्छा है कि थोड़ा सा काम लगा, लेकिन उसके बाद भी अगर होल में जाता था नहीं मिलता था, नहीं मिलता था मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को सांप पकड़ने के बाद ही तसल्ली होती है, और ये सांप जो है पकड़ने से नुकसान है, धामन है, 100% नॉन पॉइजनस। काटने से कुछ नहीं होता, पकड़ने के बाद नहीं काट रहा, ये बार बार मैं दोहराता हूँ, 95% काटता नहीं, काटा तो कुछ होता नहीं, और 300 चूहे लगभग खाता है, रैट्स ने कहते हैं। अगर ये सांप चूहे खाएगा तो आपको फायदा है। दूसरी बात यह है, आपको देख के डर लगता है वो बात अलग है, लेकिन ये सांप है तो जहरीले सांप भी कम हो सकते हैं। मतलब ये चूहे खाएगा, ये मेंढक खाएगा, तो आने वाला जहरीला सांप एक रुक सकता है। तो ये इसका फायदा ये है कि आप यहाँ पर रहते तो सुरक्षा के साथ चूहे कम होते हैं, इसलिए विषैला आने से यह अच्छा है, बिन विषैला रहे। हो सकता है ऐसा इस तरह से काट वगैरह मारता हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं छोड़ दूंगा तो ये ऐसे निकल के जाएगा। ये गाय भैंस के पैर बांधता है, दूध पीता है, और पूंछ से मारता है, पूंछ में जहरीला काटा है, ये बकवास है, ये सांपों को बदनाम करने का षड्यंत्र है और पागलपन की बात है, इसमें कोई आधार नहीं है। देखिए आप खुद सोच सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये छोड़ दिया तो ऐसे निकल जाता है, तो गाय भैंस के पाँव कैसे बांध सकता है। दूसरी बात, इसकी जीभ आप देख सकते हैं, इतनी छोटी रहती है, पतली रहती है, दुभागी रहती है, कि ये जीभ से वो किसी भी भैंस का, गाय का स्तन नहीं पकड़ सकता। दुनिया के किसी भी सांप को चूसने की क्रिया नहीं होती है। तो इस तरह से आप सांप का डर जो है, सच से डरते हो ठीक है, काटेगा, जहरीला है, इलाज नहीं है, मर जाएंगे, ये ठीक है, लेकिन कुछ नहीं करता है, उसके बावजूद भी जो उसके साथ जोड़ा गया है वो सांप को बदनाम किया जा रहा है, और इंसान की जान ले रहा है, और इसकी भी जान जा रही है, क्योंकि ये खतरनाक है, बोलते हम दिखाई दे वो सांप को मारने लगते हैं। तो इन सांपों को समझना जरूरी है। जहरीले सांपों के बाद धामन, ढोरिया सांप, और कुछ कवरियाला वगैरह, ये आमतौर पर दिखाई देने वाले सांप है, जो आपको आम इंसान को पहचानना जरूरी है, ताकि आप डर से मुक्त हो। और इसलिए नाइक सर है और कॉलोनी वाले सभी लोग वो देखते रहे, और इसलिए सांप आसानी से मिला, आपको जानकारी देने को मिला, और उसके बाद भी मिला, इसलिए इसका शुक्रगुजार करते हैं, और जिन्होंने इसको बचाना चाहा उनका भी शुक्रगुजार मानते हैं। और हमारा मिशन जो सांप को बचाना है और इंसान को भी बचाना है सर्पदंश से, और सांपों की सच्चाई लोगों तक पहुंचाना मकसद है, तो इसके लिए आप बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा, क्योंकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, अपने लोगों में वीडियो फैलाएगा, ताकि इस तरह के सांप की जानकारी लोगों तक पहुँचे और उनका डर हम दूर कर सके। डर दूर करने का और जानकारी देने का सफर इसी तरह से जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।